नमस्ते दोस्तों, आज हमें और कक्षा 12 की हिंदी साहित्य नामक विषय, कौन सा विषय है, हिंदी साहित्य नामक विषय के पांचवें पाठ में शामिल दो कविताएं। दोनों कविताओं का नाम है एक कम और सत्य। तो सत्य एक बड़ी कविता, उसके बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज हमें और विष्णु खरे के द्वारा, ये दोनों कविताएं विष्णु खरे के द्वारा रचित हैं, इनमें से आज एक कम नामक कविता पर चर्चा करने के लिए और यहां उपस्थित हैं। एक कम कविता जो है वो पूरी की पूरी आपके सामने लिखी हुई है, और मैं समझता हूं कि हर अध्यापक जो 12वीं कक्षा में अध्यापन करवा रहे हैं, हम सभी शिक्षक साथियों, विदुषी बहनों के साथ पास और सभी बच्चों के पास किताबें पहुंच गई होंगी। आप यदि और हिंदी साहित्य की इस अंतरा भाग दो को और देखेंगे तो आपको सबसे पहले विष्णु खरे का जीवन परिचय और साहित्य परिचय मिलेगा। उसके बाद में जो एक कम कविता है, इस कविता के बारे में एक परिचयात्मक जानकारी, मोटी मोटी जानकारी दी गई है कि इस कविता में क्या है। उस जानकारी को आप पढ़ें और इस कविता को पढ़ेंगे तो सुधी या विद्वान जो साथीगण है, विदुषी बहने हैं, वो किसी भी हाल में इस परिचयात्मक विवरण और कविता के साथ तालमेल बैठा नहीं पाएंगे। यहाँ उसी अंतर को दृष्टिगत रखते हुए और हम अपनी चर्चा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ये कविता यहाँ जैसे कह रहा कि कवि उस ईमानदार व्यक्ति के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहता और खुद को उनके सामने से हटा लेता है, जबकि यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है। कवि का भाव कुछ और था। यहाँ शायद हो सकता है हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप को टीका टिप्पणी का हमें ना अधिकार है और ना हम इसे लायक हैं, लेकिन इस कविता का जो मूल अर्थ है, जो हद तक मैं समझ पाया हूँ और जैसा मैंने अपने विद्वान साथियों से बात की है, चर्चा की है, उसके परिप्रेक्ष्य में और अपनी तरफ से एक सटीक अर्थ देने का प्रयत्न करूंगा जहां तक संभव है। यदि कहीं कोई आपको त्रुटि लगे, कहीं कोई सुधार की गुंजाइश आपको नजर आए तो आप बेबाकी से हमें और उसे अवगत करवाएं। बहुत सारे लोगों के साथ पास हमारे फोन नंबर है, अन्यथा और आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। देखिए क्या है कि 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होते देखा है कि अब जब कोई आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या दो रोटी के लिए, तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार औरत, ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हूं कि हाँ मैं लाचार हूं, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूं और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्व, विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से निश्चिंत रह जाओगे। जहां तक बात है, कविता में व्यंग्य विधा का प्रयोग किया गया है। व्यंग्य के साथ साथ आपको यहां पर यथार्थ के दर्शन भी मिलेंगे। यथार्थ का अर्थ होता है सत्य अर्थ, सही अर्थ। आपको कड़वी भी लग सकती हो, लेकिन वो बातें कवि के द्वारा यहाँ लिखी गई है। कुछ पंक्तियों में देखते हैं 1947 के बाद से, और 1947 का जब भी जिक्र आता है तो हमारे जहन में एक बात आती है कि 1947 में हमारा देश दूसरे देश की दासता से मुक्त हुआ था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने अपनी जान को गंवाई, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट सहे देश की आजादी के लिए, और उन जिनको हम जानते हैं उनसे भी कई गुना ज्यादा वो लोग थे जिन्होंने कष्ट सहे अपनी जान दी और उनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं हुए, वो अलग बात है। लेकिन हम ये ही बात करेंगे कि आजादी के बाद, आजादी के बाद से कवि कह रहे हैं कि 1947 के बाद से, अर्थात आजादी के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से, इतने का अर्थ बहुत सारे, कि बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे तरीकों से, तौर तरीके उनके, उनकी जो हम कहें कि जो प्रयास थे, जो साधन थे, वो साधन हो सकता है भिन्न भिन्न हो, इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। उन लोगों को
जो गरीब थे उस गरीबी से निकलकर वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर हुए हैं। कुछ लोग मालामाल हो गए हैं और कुछ लोग गतिशील, कि उनकी जो कमाई का जो ग्राफ था वो ग्राफ इस प्रकार से सीधा बराबर दे चलकर और इस प्रकार से चलता गया। जैसा कि कुछ लोगों के आय का जो ग्राफ है वो इस 2020-21 के दरमियान जब कोरोना का लॉकडाउन लगा तब बहुत ज्यादा बढ़ा है। आम जनता की कमाई जहां कम हुई है कुछ लोगों की बढ़ी है। उसी प्रकार से कि मैंने आजादी के बाद से बहुत सारे लोगों को अन्य बहुत सारे तरीकों से और अनेक प्रकार के तरीकों से आत्मनिर्भर होते देखा है, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। मालामाल होते देखा है, ये भी अच्छी बात है। गतिशील होते देखा है, यह भी अच्छी बात है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं या तो कोई भ्रष्ट तरीका है भ्रष्टाचार से, या अवैध जो विधि के अनुकूल नहीं है, विधि का अर्थ कानून संविधान, अवैध तरीके से या तस्करी के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार, अवैध तरीका या जो संविधान सम्मत नहीं है उन तरीकों से और उन्हें आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखे हैं। अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है, लेकिन अब जब सामने आकर और कोई व्यक्ति हाथ फैलाता है, और हाथ फैलाना आप मुहावरा है, हाथ फैलाने का अर्थ मानते हैं कि मांगना। जब कोई मांगने के लिए आगे सामने आता है या मांगता है तो क्या मांगता है, 25 पैसे, एक चाय या दो रोटी के लिए। क्या वो हाथ क्यों फैलाता है, क्या मांगने के लिए फैलाता है? वो या तो 25 पैसे मांग रहा है, या एक चाय मांग रहा है, या दो रोटी मांग रहा है। अर्थात यहां 25 पैसे सिर्फ 25 पैसे नाम की इकाई का प्रतीक नहीं है। इसका अर्थ है कि जितने उतने पैसे जितने में एक चाय आ सके, या उतने पैसे जितने में एक रोटी आ सके। आज के दिन आप 10, 15, 20 रुपए इसे मान सकते हैं। लेकिन यहां कवि कह रहा है कि वो कुछ मांगने के लिए, हो सकता है उसमें एक चाय हो या दो रोटियां, वो पेट भरने के लिए। आप मान के चलिए गरीब आदमी है और रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित है। वो व्यक्ति जब सामने आकर कुछ मांगता है तो कवि कहते हैं तो मैं जान लेता हूं कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। कि मैं उस समय ये जान लेता हूं, यदि कोई मांगने वाला आया है तो मैं जानता हूं कि वो आदमी ईमानदार है, वो औरत है तो ईमानदार है, वो बच्चा है तो ईमानदार है। क्योंकि जो लोग भ्रष्ट थे, जिन्हें जालसाजी आती थी, वो अनेक अनेक प्रकारों से, अनेक अनेक तरीकों से और मालामाल बनते चले गए। अब कवि कहते हैं कि वो जो मेरे सामने आदमी है, वो मेरे सामने जो औरत है या जो बच्चा है, वो मेरी आंख में आंख डालकर कहते हैं कि मानता हूं। वो क्या कहता है कवि से, मैं मान उसकी वो बोलकर नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों के भाव जो है वो भाव उसे कवि को बता रहे हैं कि मानता हूं कि हाँ मैं लाचार हूं। लाचार, चारा, मैं मेरे पास कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। कंगाल या कोढ़ी, या मैं कंगाल हूं, गरीब हूं, फकीर हूं, और कोढ़ी मतलब रुग्ण हूं, बीमार हूं, मरीज हूं, या मैं भला चंगा हूं, या हो सकता है मैं भला चंगा भी हूं या और कामचोर, और कामचोर भी हूं। भला चंगा हूं, कई बार आपने देखा होगा, कई बार बसों आदि में और कुछ लोग यूं 2, 4, 5 पैसे आदि के लिए जब भिक्षावृत्ति करते हैं तो कुछ लोग उन्हें कहते थे यार भला चंगा दिख रहे, कहीं मजदूरी क्यों नहीं करते, है ना। तो वो बात कि मैं भला चंगा हूं कैसे दिखने में, और कामचोर, कामचोर वो जो भीख मांग रहा है वो इसलिए अपने आप को कामचोर कह रहा है कि यदि लोग विकास करते गए, मालामाल होते गए, आत्मनिर्भर होते गए, पैसे वाले होते गए, उस प्रकार से यदि मैंने भी कोई तरीका अपनाया होता तो शायद मैं भी वहां होता। और इसके अलावा एक बात आप और भी देखेंगे कि गांव में हम अपने आसपास में देखते हैं कि कुछ लोग यकीनन आर्थिक रूप से गरीब होते हैं, और उनकी गरीबी का कारण और कुछ न होकर सिवाय सिर्फ उनकी आलस्य वृत्ति होती है। वो अपने आलस की वजह से काम नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग काम चोरी की वजह से भी गरीब रह जाते हैं, और बहुत सारे लोग अवसर न मिलने की या यथोचित अवसर न मिलने की वजह से भी। तो वो व्यक्ति जो ईमानदार है वो कहते हैं कि मैं कामचोर भी हूं और एक मामूली धोखेबाज, और एक मामूली धोखेबाज। मांगने वाला अपने आप को मामूली धोखेबाज इसलिए बता रहा है कि
जिस प्रकार से ये लोग संविधान को धोखा देते हुए और कार्य कर रहे हैं, उनकी नजर में ये लोग क्या है, अपने आप में बहुत सही है। इनकी नजर में ऐसे लोग धोखेबाज है जो काम नहीं करना चाहते या जो और उनके द्वारा बताई गई कोई राय कोई वृत्ति पर काम नहीं करते, लेकिन पूरी तरह लेकिन वो ईमानदार या वो भिखारी या जो आजादी के बाद का वो व्यक्ति जो मुख्य धारा में आने से वंचित रह गया। हमारे देश के लोगों ने कुर्बानियां दी किस लिए कि वो एक बहुत अच्छा भला चंगा देश बनेगा, आजादी होगी, लेकिन आजादी के अर्थ गलत लगाए गए और उस गलत अर्थ के कारण से और लोग सिवाय सिर्फ धन के पीछे पड़े रहे। तो वो कहते लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच कि जिससे हम मांगते हैं और जो दे दे या नहीं दे उसके मन में संकोच रहता है कि मैं इसे दूं या नहीं दूं, और लज्जा भी है और परेशानी भी है, या तुम्हारे गुस्से पर आश्रित हूं कि मैं तुम्हारे संकोच पर, यदि तुम संकोच करते हुए जेब की तरफ हाथ नहीं करोगे तो भी मैं तुम पर आश्रित हूं, यदि तुम शर्मिंदा हुए कि इस आजाद देश में कोई एक व्यक्ति है जो आज भी भीख मांग रहे, तो तुम्हारी जो लज्जा है कि कहीं ना कहीं हम भी फिर उसका कारण होते। यदि कोई व्यक्ति इस आजाद देश में भीख मांग कर अपना पेट भर रहा है, जिसे रोटी कपड़ा मकान तक नसीब नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो उसकी पीछे की जो वजह है वो प्रशासन और व्यवस्था तो है ही है, हम भी है, और हम इसलिए है क्योंकि व्यवस्था भी हमसे ही है। तो तुम्हारे संकोच तुम्हारी लज्जा और तुम्हारी परेशानी तुम नहीं दे सकते। कई बार क्या होता है कि कोई हमसे मांगता है और हम देने के इच्छुक भी है, बावजूद इसके हम दे नहीं पाते क्योंकि हमारे पास भी उस समय उतना ही है जितना जितने से हमारा काम चल सके, यदि हमने उसे दे दिया तो हमारा काम ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हारी परेशानी या तुम्हारे गुस्से पर आश्रित हूं, या मैं तुम्हारे गुस्से पर, तुम हो सकता है कि मैं तुमसे और तुम अपना काम कर रहे थे, बस में बैठे थे, बात कर रहे थे, मोबाइल चला रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, उस दरमियान यदि मैंने तुमसे कुछ मांग लिया तो तुम्हें एक अनावश्यक व्यवधान के कारण से और गुस्सा भी मुझ पर आ सकता है। भले इनमें से आपको संकोच हो, लज्जा हो, या परेशानी हो, या गुस्सा है, लेकिन जो भी हो मैं तुम पर ही आश्रित हूं। कौन कह रहा है? वह ईमानदार आदमी कह रहा है, या वह औरत वो कह रही है, या वह बच्चा कह रहा है? वो कहता है कि तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी, कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं बिल्कुल नंगा और नंगा, निर्लज, बिना किसी लज्जा के और निराकांक्षी। आकांक्षा, देखिए आकांक्षा का अर्थ क्या होता है? आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। मैं तुमसे मांग जरूर रहा हूं लेकिन तुम्हारे साथ मेरी इच्छाएं जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए मैं निराकांक्षी भी हूं। इच्छाएं जुड़ी हुई इसलिए नहीं है क्योंकि दिन भर में इतने लोग मिलते हैं, उनमें से बहुत कम है जो देकर जाते हैं, अन्यथा दुत्कार कर चले जाते हैं। और मैं निर्लज हूं, मुझे लज्जा नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं इस आजाद देश में भी और आज भी भिक्षा मांग रहा हूं, भीख मांग रहा हूं, लोगों के सामने अपने हाथ फैला रहा हूं, झोली फैला रहा हूं, और मैं बिल्कुल नंगा हूं। नंगा होने का अर्थ यहाँ पर वस्त्रहीन होने से नहीं, नंगा होने का अर्थ है यहाँ पर मैं एकदम बेशर्म, निर्लज और बेहया हो गया हूं। मुझे किसी बात से कोई परवाह है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने हूं बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी, बिना किसी आकांक्षा के। मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। आज अब ये व्यक्ति, इस कविता का जो मूल संदेश है वो यहां है। वो जो व्यक्ति कौन सा, जो ईमानदार है, वह है आदमी हो सकता है, वह औरत हो सकती है, और वह बच्चा हो सकता है। वह कह रहा है मैं बिल्कुल नंगा हूं, बिल्कुल निर्लज हूं, बिल्कुल निराकांक्षी हूं, बावजूद इसके मैंने अपने आप को हटा लिया है हर होड़ से। किनकी? इन लोगों के द्वारा जो होड़, या हम कहें और भी नाम आप ले सकते, या धोखेबाज, या जालसाज, है ना, या जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो कि उन वो लोग जो मालामाल हो रहे हैं, जो अपने धन कमाने की जो गति है वो बहुत तेज गति से बढ़ाए जा रहे हैं, उन लोगों के साथ मेरी कोई होड़ नहीं है कि मैं भी, ये जो ईमानदार लोग हैं उनकी नजर में मैं, आप, हम सब क्या है, इसी की तरह से। इसलिए वो कहते हैं जिसके सामने भी वो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं उनके साथ उनका यदि आंखों से संवाद हो तो उस संवाद में यही कहेंगे कि मैंने आपको
मैंने अपने आप को और आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उस प्रयास में जितने प्रतिद्वंद्वी जितने कंपिटेटिव आपके बराबर होने चाहिए थे उनमें से कम मैं नहीं हूं। मैंने हर उस हुड से अपने आप को हटा लिया है, मतलब मैं नैतिक सिद्धांतों पर, मैं नीतिगत सिद्धांतों पर आज भी कायम हूं। मैं न भ्रष्टाचार करूंगा, न अवैध कार्य करूंगा, न जालसाजी करूंगा, न धोखाधड़ी करूंगा, न तस्करी करूंगा, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे हमारे संविधान की आत्मा, संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचे। तो मैंने अपने आप को हटा लिया है, कहां से? हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूं। वो ईमानदार व्यक्ति हर उस भारतीय से कह रहा है जो अवैध तरीके से धन कमाने के पीछे अंधी दौड़ में शामिल है कि मैं न तुम्हारा विरोधी हूं, तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूं, न तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूं। प्रतिद्वंद्वी का अर्थ होता है जैसे एक दो टीमें आपस में खेलती हैं, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, जो भी कोई मैच हो, उसमें जो दोनों टीमें हैं वो एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी होती है, एक ने कमजोर खेला दूसरा जीत गया। तो यहां भी ये जो पैसे कमाने के तरीके हैं उन तरीकों में मैं तुम्हारा किसी प्रकार का प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं, अर्थात मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी राह में बाधक नहीं बन रहा हूं, न तुम्हारा हिस्सेदार ही हूं और न ही तुम्हारा हिस्सेदार हूं, तुम्हारा भागीदार। तुम्हारी जो कमाई होगी उस कमाई में मेरी तरफ से कोई हिस्सा नहीं मांगा जाएगा, मुझे कुछ देकर या न देकर भी, कि मुझे कुछ देकर भी और न देकर भी, कि देने वाले का भी वाला, न देने वाले का भी वाला। यहां वही ईमानदार भारतीय जो देश के संविधान, जो अपनी आत्मा या अपने जमीर की नीतियों और जमीर के सिद्धांतों के आधार पर और अपना जीवन यापन कर रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है ये कथन कि मुझे कुछ देकर, कि आप भले मुझे कुछ दे दो या न देकर भी, तुम कम से कम एक आदमी से निश्चिंत रह सकते हो। ये इस कविता की जान, ये है जो पंक्ति है वो इस कविता का मूल वाक्य, कि भले तुम मुझे कुछ दो या न दो, लेकिन तुम्हारे सामने ये जो तीन चीजें आने वाली थी, विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या कोई हिस्सेदार, कम से कम वो मैं नहीं हूं। अर्थात यदि तुम्हारे सामने 50 लोग खड़े तो आप मुझे काट कर उन 50 ही माने, 49 ही माने, मैं कम से कम तुम्हारी इस लाइन में नहीं हूं, तुम्हारी तरह से भ्रष्ट नहीं हूं, बेईमान नहीं हूं, अवैध वसूली करने वाला नहीं हूं। ये अवैध वसूली ये इसमें नहीं है, मैं अपनी तरफ से मतलब जो तरीके धन कमाने के जो नाजायज है, जो अवैध है, जो गैर कानूनी है, उन तरीकों के माध्यम से, और यदि तुम धन कमा रहे हो तो उन तरीकों में, उन तरीकों के द्वारा धन कमाने वालों में कम से कम तुम्हारे सामने एक आदमी और कम हो गया है, और वो कौन है? वो यह ईमानदार औरत तो आदमी हो सकता है, वह औरत हो सकती है, और या वह ईमानदार बच्चा हो सकता है। तो मैं कम से कम तुम एक आदमी कम कर सकते हो, अर्थात मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, और यही बात कवि यहां कहना चाहते हैं, जहां तक मैं इस कविता को समझ पाया हूं उसका मूल भाव। और यदि इसकी बात करेंगे तो यहां कह रहे हैं कि एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के बाद, मतलब स्वतंत्रयोत्तर, भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आजादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जैसा जिसकी आजादी के सेनानियों ने कल्पना की थी, कि हमारे देश के जो आजादी के सेनानी थे, जो सैनिक थे, या जो आजादी दिलाने वाले जो नेता थे, उन लोगों ने जो कल्पना हमारे देश के लिए की थी उस कल्पना पर खरा नहीं उतरा है। पूरे देश का, या कहें कि आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हो गया है कि ये कैसी आजादी है। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया और नितांत स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया। यहां तक बात बहुत ही समुचित है। आगे देखते हैं, कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है, और कुछ न कर पाने की स्थिति होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता।
बात ये भी ठीक है, बाधक नहीं बनाना चाहता, इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर सकता है कि वह कर सकता है जो कि वह करता है, जो कि वह करता है मतलब कि कम से कम एक आदमी को रास्ते से हटा लेता है। यहां देखिए कि आप ये जो आदमी है ईमानदार और लेखक कवि, तो कवि यदि ईमानदार व्यक्ति की राह से अपने आप को हटा लेगा तो कवि उसे मांग क्या रहा था, कवि तो उसे दे रहा था, यदि उसकी इच्छा है तो वह उसे दे रहा था, तो मार्ग में बाधक नहीं बना। बाधक तो कौन बने, वो ईमानदार व्यक्ति यदि हमारे जैसा ही हो जाए, बेईमान हो जाए, भ्रष्ट हो जाए और वह उसी प्रकार से धन कमाने का प्रयास करने लगे, तो हम जिस प्रकार से कमाए, सपोज कीजिए काल्पनिक है, यदि हम जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के माध्यम से यदि पैसे कमाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति भी यदि हमारी तरह से करना शुरू कर देगा तो या तो वह हमारे विरोधी हो जाएगा या प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार हो जाएगा। तो हमारी राह में एक आदमी आ रहा है, अब क्या किया, उस व्यक्ति ने कहा कि तुम भले मुझे कुछ दो या न दो, लेकिन मैंने अपने आप को हटा लिया है और इस प्रकार से तुम कम से कम एक आदमी से निश्चिंत हो गए। निश्चिंत का अर्थ होता है बेफिक्र या बिना चिंता के, कि तुम क्या हो गए, तुम कम से कम एक आदमी की चिंता तो तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी कि तुम्हारे सामने 50 आदमी थे, उन 50 में से तुम्हें अब 49 से 49 से ही लड़ाई करनी है, 49 से ही तुम्हारा मुकाबला है। तो इस प्रकार से आप एक आदमी को अपने जीवन संघर्ष से कम कर रहे हैं, यहां जहां तक हम समझ पाए उतना यहां लिखा। और बाकी अध्यापक साथियों से निवेदन ये रहेगा कि वो अपनी राय, समुचित राय, और व्हाट्सएप के, फेसबुक के या वीडियो के कमेंट बॉक्स में या कॉलिंग के माध्यम से देने का कष्ट करें, बाप बहुत बहुत आभारी रहेंगे, न केवल हम बल्कि बच्चे भी। तो दोस्तों आज की इस कक्षा में फिर वक्त इतना ही, अगली कक्षा लेकर आए। उससे पहले यदि आप यहाँ इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुंचे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा प्लीज, और अब अनुमति देवें ताकि हम सत्य नामक कविता पर चर्चा करने के लिए और तैयारी कर सके। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।